केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ कचहरी में आज उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब लालकुर्ती थाना पुलिस एक अधिवक्ता को उठा कर ले गई। हंगामे व हालात बिगड़ते देख पुलिस को अपनी बाइक वहीं छोड़कर भागना पड़ा, जिस पर अधिवक्ताओं ने अपना गुस्सा बाइक पर निकाल दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि बस्ते से इस तरह किसी अपराधी को नहीं उठाया जा सकता, लेकिन यहां तो वकील को ही उठा लिया गया। दबाव बढ़ने पर मेरठ पुलिस ने वकील हेविन को छोड़ दिया। हेविन के खिलाफ वारंट है। बुला लो, महामंत्री जी के सामने हुआ सर, बता देंगे। बुला लो इन्हें, एक मिनट। मुझे बिल्कुल अभी पता चला है कि मेरठ बार एसोसिएशन का हमारे यहाँ एक वकील साहब काम करते हैं, उनका नाम रजनी त्यागी जी के यहाँ बैठते हैं। उनका जूनियर, जूनियर का क्या नाम है? एवन जूनियर हेविन खान। उस लड़के को अभी अभी यहाँ से पुलिस ने उठा लिया है, चैम्बर से पुलिस ने उठा लिया है, जबकि वकीलों के चैम्बर से आप क्रिमिनल को भी नहीं उठा पाते हैं। आप हमारे वकील को उठा के ले गए हैं। लालकुर्ती थाने का दरोगा है, दरोगा का नाम नहीं पता है किसने उठाया, उसने बहुत गलत किया है। जिस दरोगा ने उठाया गलत किया, पुलिस का ये बहुत गलत काम है। तो एक पुलिस की बाइक भी टूटी पड़ी है बाहर, क्या हुआ कि मैं बता दूं, ये जो बाइक टूटी है इनकी, पुलिस की जो बाइक टूटी है वो कैसे टूटी है? जब पुलिस जो है वकील को खींच के ले जाती है, उसके कपड़े फट गए, तो यहाँ पे भगदड़ मच गई, तो ये बाइक जो है गिरने के कारण टूट गई होगी, ठीक है ना? भगदड़ में उसकी बाइक गिर गई है, जो यहाँ भीड़ रहती है, या क्लाइंटों की भीड़ रहती है, हाँ वो थाने में ही है, या क्लाइंटों की भीड़ रहती है, भगदड़ में उसके बीच में खड़ी थी, आपने बाइक दे दी है, अभी हमारे उस वकील को नहीं छोड़ा है, अभी तक नहीं छोड़ा गया है, नहीं छोड़ा है, और अभी हम धरना प्रदर्शन करेंगे अगर उसको नहीं छोड़ेंगे तो। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।